आज की इस वीडियो में हमारे पास है Vivo का न्यू लॉन्च Vivo V25 और इससे पहले जो है V25 Pro को लॉन्च किया जा चुका है, तो उसका अगर रिव्यू वीडियो या फिर उसके हिडन फीचर टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग देखना चाहते हैं तो वो चैनल पे आ चुके हैं, उनको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो में आप लोगों को V25 के जो भी सभी हिडन फीचर्स है, सेटिंग्स है, टिप्स ट्रिक्स है, जैसे इसके कॉल रिकॉर्डिंग हो गया, वाईफाई कॉलिंग वगैरह, या फिर जो वीडियो पोर्ट्रेट मोड इसमें दिया गया है, नहीं स्लो मोशन वगैरह, सब डिटेल में कवर करने वाला हूँ। और अगर आप लोगों ने स्मार्टफोन खरीद लिया है, फिर खरीदने की सोच रहे हैं और इसमें क्या कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स या सेटिंग्स दी गई है वो जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और शायद ही किसी वीडियो में आप लोगों को ये सभी चीज़ें कवर देखने को मिलेंगी। सो गाइस, इसका जल्द ही रिव्यू वीडियो भी जो है हमारे चैनल पे आने वाला है, तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गैजेट्स डिस्कवरी। सो चलिए गाइस, सबसे फर्स्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं फ़ोन की होम स्क्रीन सेटिंग से। तो जैसे यहाँ पे हम लॉन्ग टैप करके रखते हैं तो यहाँ पे जो है हम वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, यूआई का जो कलर है वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू कलर की थीम जो है यूज़ में है, तो जैसे यहाँ पे मैं ग्रीन पे टाइप करता हूँ तो अभी जो है यूआई का कलर ग्रीन हो चुका है। और ये यूआई का कलर जो यूआई के एप्लीकेशन है, जैसे डायलर हो गया, फ़ोन के सेटिंग्स वगैरह हो गए, वहाँ सब पे जो कलर है आपको चेंज देखने को मिल जाएगा और काफ़ी रिफ्रेश सा जो है फील होता है। तो यहाँ से आके आप इसे चेंज कर सकते हैं। विजिट्स वगैरह जो है आप होम स्क्रीन पे सेट कर सकते हैं, और पर्टिकुलर एप्लीकेशन की कितनी विजिट आप लगा सकते हो, सारे नंबर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ से जाके आप हर एक एप्लीकेशन की विजिट्स वगैरह सेट कर पाओगे। और नेक्स्ट यहाँ पे होम सेटिंग्स जो है देखने को मिल जाते हैं। सबसे फर्स्ट में ड्रॉअर मोड और स्टैंडर्ड मोड जो है आप फ़ोन में सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से होम स्क्रीन के लिए। इसके अलावा लॉक लेआउट, लेआउट को लॉक करने से क्या होता है, जो होम स्क्रीन है वो लॉक हो जाती है, कोई भी सेटिंग्स आप चेंज नहीं कर सकते और गलती से भी टच होके सेटिंग्स वगैरह चेंज नहीं होंगी, तो आप जो है लेआउट को लॉक कर सकते हैं और जब कुछ चेंज करना हो तो यहाँ से अनलॉक करना होगा। साथ ही यहाँ पे आपको जो है गूगल डिस्कवर जो आप देख रहे हो, जैसे ही हम राइट की तरफ स्वाइप करते हैं तो ये गूगल डिस्कवर है, इसको अगर आप लोगों को डिसेबल करना है तो यहाँ पे आपको जो है ये ऑप्शन मिल जाता है। और साथ में हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, ऐप सजेशन बार जो कि आपको ऐप मेन्यू में देखने को मिलते हैं, जैसे ये हॉट गेम्स, हॉट ऐप्स, ये परमानेंटली रहते हैं, तो अगर इन्हें भी डिसेबल करना है आप लोगों को तो यहाँ से आके आप जो है इन्हें डिसेबल कर सकते हो। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हमें होम स्क्रीन में देखने को मिलती है। और इससे नेक्स्ट हम चलते हैं रिसेंट एप्लीकेशन की तरफ। तो जैसे ही हम रिसेंट ऐप ओपन करते हैं तो सबसे फर्स्ट में यहाँ से आप जो प्रीव्यू है रिसेंट एप्लीकेशन का वो चेंज कर सकते हो। इसके अलावा जैसे किसी भी एप्लीकेशन के आइकन पे आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पे सबसे फर्स्ट में लॉकडाउन। लॉकडाउन करने से क्या होता है, जैसे मैंने गूगल क्रोम को यहाँ पे लॉकडाउन कर दिया और मैं एक साथ सभी एप्लीकेशन को क्लियर कर देता हूँ, बट जो गूगल क्रोम है वो क्लियर नहीं होगी। तो ये उस टाइम काम आता है जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन में कोई टास्क रन करके छोड़ते हो और बैकग्राउंड में वो रन होता रहे, तो उसके लिए आपको जो है एप्लीकेशन को यहाँ से लॉक कर देना चाहिए और अनलॉक भी यहाँ से कर पाओगे। साथ ही स्प्लिट स्क्रीन का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आप एक साथ गूगल क्रोम चलाना चाहते हो तो यहाँ पे अब ऊपर गूगल क्रोम चल रहा है और नीचे मैं इनमें से कोई भी एप्लीकेशन रन कर सकता हूँ। जैसे मैं यूट्यूब पे टैप करता हूँ तो अभी क्या है यूट्यूब चलने लग जाएगा। तो ऐसे करके आप जो है कोई भी दो एप्लीकेशन एक साथ चला सकते हो, जैसे व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह या फिर इंस्टाग्राम वगैरह। और इसके अलावा अगर आप स्प्लिट स्क्रीन डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हो किसी भी ऐप में तो आपको सिंपली करना क्या है, जैसे जो ऐप सपोर्ट करती है स्प्लिट स्क्रीन को वो अगर आपने ओपन की हुई है तो सिंपली थ्री फिंगर्स जो आपको स्क्रीन पे ऊपर की तरफ स्वाइप करनी है और स्प्लिट स्क्रीन जो है एक्टिवेट हो जाएगी और आप इजीली से यूज़ कर पाओगे। और इसके अलावा हम बात करते हैं स्क्रीनशॉट से रिलेटेड। गाइस, वैसे तो आप जो है वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन जैसे ही आप थ्री फिंगर्स नीचे की तरफ स्वाइप करते हो तब भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले पाओगे। इसके साथ ही अगर आपको किसी एक लॉन्ग पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली थ्री फिंगर्स नीचे की तरफ स्वाइप करिए और यहाँ पे आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पर टैप करिए। अब आपको क्या है नीचे की तरफ जो है स्क्रॉल करते हुए जाना है जहाँ तक आप जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, और उसके बाद यहाँ पे सिंपली सेव कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंप्लीट लॉन्ग पेज का जो है स्क्रीनशॉट लिया जा चुका है, किसी के भी साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं, फोन में रख सकते हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं फोन के डायलर की तरफ।
इस फोन में हमें जो है गूगल का डायलर देखने को मिलता है, तो यहाँ पे कोई भी ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। मैनुअली आप कॉल रिकॉर्ड कर पाओगे, लेकिन वो जब जैसे आप कोई भी कॉल डायल करोगे तो वहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, बट वो उसमें क्या है, जैसे दूसरे कॉलर को नोटिफिकेशन चला जाएगा, उसको सुन जाता है कि आप उसकी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो। बट इसको भी डिसेबल किया जा सकता है, एक छोटी सी ट्रिक है। और इस टाइप की जो टिप्स ट्रिक्स वीडियो रहते हैं मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे जो है डालते रहता हूँ रेगुलरली, तो यहाँ पे कहीं आपको इंस्टाग्राम हैंडल का जो नाम देखने को मिल रहा होगा वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। और इसके अलावा अगर हम चलें इसके सेटिंग्स में, तो यहाँ से आपको ब्लॉक नंबर का ऑप्शन मिल जाता है। अननोन फोन से अगर आप कोई भी कॉल नहीं चाहते तो यहाँ पे अननोन नंबर को ब्लॉक कर सकते हो, बट अगर आप किसी पर्टिकुलर नंबर को ब्लॉक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जो है पर्टिकुलर नंबर डाल के ब्लॉक कर सकते हो और अनब्लॉक भी यहाँ से कर पाओगे। और इसके अलावा यहाँ से बैक चलते हैं और नीचे की तरफ आए तो फ्लिप टू साइलेंस देखने को मिल जाता है। अगर आप इसे इनेबल करते हो, जैसे आपके पास कोई कॉल आ रही है और फ़ोन को आप फ्लिप कर देते हो, तो वो कॉल जो है ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाएगी फ़ोन को फ्लिप करने पे। और नेक्स्ट चलते हैं फ़ोन की गैलरी की तरफ। तो यहाँ पे आपको अलग अलग सेक्शन जो है नीचे की तरफ देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे एल्बम में जो है आपको रिसाइकल बिन देखने को मिल जाता है। जो भी डिलीटेड फोटोज वीडियोज रहने वाली है यहाँ पे 20 से 30 दिनों तक रहती हैं, उन्हें आप यहाँ से रिकवर कर पाएंगे। और इसके अलावा जैसे हम किसी भी फ़ोटो को ओपन करते हैं और यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे टैप करते हैं, तो यहाँ से आप किसी भी फ़ोटो को जो है वॉलपेपर पे सेट कर सकते हो, सेट एज कॉन्टैक्ट यानी कि किसी भी कॉन्टैक्ट की फ़ोटो पे लगा सकते हो, एज ए पीडीएफ उसे सेव कर सकते हो, एज ए डॉक्यूमेंट। और इसके अलावा गाइज एक बहुत ही सही फीचर यहाँ पे मुझे लगता है, जैसे आपने बहुत सारी फ़ोटोज़ अपनी क्लिक की और उसमें से एक दो आपकी फेवरेट रहती है यानी कि अच्छी रहती है, तो उन्हें आप बार बार जो है गैलरी में आके कैमरा सेक्शन में आके उन्हीं फ़ोटोज़ के बीच में से ढूंढते हो, तो यहाँ पे आपको एक हर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे ही आप जो भी आपकी फेवरेट फ़ोटोज़ है उनको जो है हर्ट दे देते हो, तो एक अलग से जो है फेवरेट फ़ोटोज़ का सेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब आपको बार बार जो है कैमरा की फ़ोटोज़ में आके उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जिन भी फ़ोटोज़ को आप फेवरेट करोगे एक अलग से सेक्शन मिल जाएगा आपको और ईजिली यहाँ पे आप उन्हें जो है सर्च कर पाओगे। और इसके अलावा गाइस जैसे यहाँ पे मैंने आप देख रहे हो पोर्ट्रेट फोटोज़ क्लिक किए हुए हैं जो बैकग्राउंड ब्लर रहता है, तो यहाँ से आप जो है पोर्ट्रेट इफेक्ट को कम ज़्यादा कर सकते हो, जो बैकग्राउंड ब्लर रहता है उसे यहाँ से आप कम ज़्यादा कर पाओगे फ़ोटो क्लिक करने के बाद भी, तो बहुत ही सही फीचर है। इसके अलावा जैसे आप मान लीजिए मल्टीपल फ़ोटोज़ यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे थ्री डॉट पे जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ से आपको जो है कोलाज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और बहुत ही यूनिक और अच्छे कोलाज यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन रहेगा तो नए नए जो कोलाज है आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाओगे, तो मुझे बहुत ही सही लगा ये कोलाज वाला फीचर, आप सोशल मीडिया पे अच्छे फ़ोटोज़ जो है एक साथ पोस्ट कर पाओगे। और इसके अलावा अगर हम चलते हैं गैलरी की सेटिंग्स की तरफ, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन स्टेज ऑन व्हेन व्यूइंग इमेजेस, जब तक आप इमेजेस की तरफ देखते रहोगे तो कैमरा जो है डिटेक्ट करता रहेगा और डिस्प्ले जो है बंद नहीं होगी अपने आप, रोटेट ऑटोमेटिकली। गाइज इसमें क्या है, जैसे आपने ये ऑटो रोटेट है इसे डिसेबल किया हुआ है, बट गैलरी में आप कोई फोटो वीडियो देख रहे हो, आप फ़ोन को रोटेट करते हो तो वो भी ऑटोमेटिकली रोटेट होगी चाहे ये ऑटो रोटेट डिसेबल रहे। और रिसाइकल बिन अगर आप डिसेबल करना चाहते हो, यानी कि जो भी फोटो वीडियो आप डिलीट करो डायरेक्टली फ़ोन से डिलीट हो जाए, तो रिसाइकल बिन को आप यहाँ से डिसेबल कर पाओगे। और हिडन में हम चलते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है हिडन फोटोज़ वीडियोज़ का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी कि आप फोटो वीडियो को हाइड भी कर सकते हो। तो किसी भी फोटो वीडियो को हाइड करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है और यहाँ पे आपको हाइड का ऑप्शन मिल जाएगा, थ्री डॉट से हाइड करिए। और हाइड करने के बाद वो जो है आपको यहाँ पे सेटिंग्स में तब आप जाओगे तो यहाँ पे हिडन में आपको वो मिल जाएगा और यहीं से आप उसे अनहाइड कर पाओगे। और गाइज इसके अलावा जैसे हम यहाँ प्लस के आइकन पे टैप करते हैं तो यहाँ से आप जो है वीडियो क्लिप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने वीडियो क्लिप्स पे टैप किया और मैं कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो हैं मल्टीपल सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और राइट के ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ, तो डायरेक्टली यहाँ पे जो है आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, वो आपकी फ़ोटो वीडियो फाइल जो है यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी और यहाँ पे आपको म्यूज़िक टेक्स्ट और फ्रेम वगैरह के जो है अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अच्छी बात यह है कि बेसिक एडिटिंग आप फ़ोन की हेल्प से ही कर सकते हो। और नेक्स्ट हम चलते हैं कंट्रोल सेंटर की तरफ, और यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ देखने को मिल जाते हैं, जैसे अल्ट्रा गेम मोड, स्मार्ट मिररिंग यहाँ पे है, क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए यहाँ पे है, नियर बाय शेयर वगैरह। सो यहाँ पे आपको एक एडिट का आइकन मिलता है, जैसे ही आप इस पर टैप करते हो तो कुछ और आपको यहाँ पे हाइड देखने को मिल जाते हैं। इनको आप अगर ऊपर ले जाना चाहते हो जो आपके यूज़ के हैं तो सिंपली टैप करके रखिए और ऊपर की तरफ लेके जा सकते हो,
और ऊपर वाली स्क्रीन को अगर आप एडिट करना चाहते हो तो वो भी टैप एंड होल्ड करके आप उन्हें जो है ऊपर नीचे हाइड कर सकते हो, फ्रंट स्क्रीन में लेके जा सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है ये जो कंट्रोल सेंटर है इसे मैनेज कर सकते हो काफ़ी सही तरीके से। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल का आइकन देखने को मिलता है, जैसे ही आप इस पर टैप करते हो तो यहाँ पे आपको जो है जो यूज़र है वो क्रिएट करने के ऑप्शन मिलते हैं। गाइस अब इसमें क्या है, ये बहुत ही यूज़फुल है, जैसे आपके घर में रेगुलर बेसिस पे आपके भाई बहन या कोई भी फैमिली मेम्बर आपके फ़ोन को यूज़ करता है तो आप एक अलग से यूज़र क्रिएट कर सकते हो उनके नाम से। जब वो फ़ोन चलाएंगे तो वो अपना यूज़र ओपन करके जो है फ़ोन चला सकते हैं, कोई भी डाटा आपका उनके साथ शेयर नहीं होगा, कुछ भी एप्लीकेशन वगैरह हो वो सब अलग रहने वाला है। इसके अलावा जैसे कभी कभार अगर फ़ोन को कोई यूज़ करता है तो ऐड गेस्ट करके आप उन्हें दे सकते हो। इसमें क्या होगा, इसमें भी जैसे फ़ोन आपको बिल्कुल न्यू कंडीशन में मिला था, कोई भी एप्लीकेशन वगैरह कोई भी जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे आपकी शेयर नहीं होने वाली गेस्ट मोड में, तो बहुत ही सही फीचर है। आप प्राइवेसी जो है यहाँ पे अपनी मेंटेन रख सकते हो और कुछ विद इन सेकेंड्स ये जो है स्विच हो जाता है गेस्ट मोड में और गेस्ट मोड से ओनर मोड में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो गेस्ट मोड में ये जो है स्विच हो चुका है और यहीं से जो है मैं इसे रिमूव भी कर सकता हूँ गेस्ट मोड को और ओनर मोड में चला जाऊँगा। और चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं फ़ोन के कैमरा सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपको नाइट मोड देखने को मिल जाता है और नाइट मोड में यहाँ पे जो है आपको अलग अलग स्टाइल जो है देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप जूम इन और जूम आउट जो है कर सकते हो नाइट मोड में। और पोर्ट्रेट मोड में हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको HDR देखने को मिल जाता है, साथ ही यहाँ पे AI इफेक्ट है, यानी कि इससे जो आपको कलर्स बूस्ट वगैरह थोड़ा फोटोज़ में देखने को मिल जा रहे हैं। स्टाइल यहाँ पे भी आपको जो है अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन मोड दिया गया है और साथ ही ये जो ऑप्शन है इससे क्या है जो बैकग्राउंड ब्लर होता है फोटो का पोर्ट्रेट मोड में वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के जो ब्लर इफेक्ट है वो देखने को मिल जाते हैं, यानी कि अलग अलग स्टाइल के। और नेक्स्ट चलते हैं फ़ोटो में, तो यहाँ पे आपको गूगल लेंस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसमें क्या है जैसे आप कोई भी टेक्स्ट वगैरह जो है कॉपी कर सकते हो फ़ोटो से, लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हो और भी काफ़ी यूनिक टास्क जो है कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे HDR मोड मिल जाता है, साथ ही जो फ़ोन में मैक्रो लेंस दिया गया है छोटे ऑब्जेक्ट्स की फ़ोटो क्लियर कैप्चर करने के लिए, तो यहाँ से आप जो है मैक्रो लेंस एक्टिव कर पाओगे। साथ ही AI मोड यहाँ पे मिल जाता है जिससे जो फ़ोटोज़ में थोड़ा एनहेंसमेंट कलर वाइज क्वालिटी वाइज आपको देखने को मिल जाता है। और नेक्स्ट यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर पाओगे, कुछ फिल्टर्स वगैरह यहाँ पे आपको जो है अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। साथ ही चलते हैं वीडियो सेक्शन में, तो वीडियो सेक्शन में HDR मोड यहाँ पे आपको दिया गया है और इसके अलावा यहाँ से आप स्टेबलाइजेशन जो है इनेबल कर सकते हो वीडियो में, स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन और अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन, यानी कि काफ़ी स्मूथ वीडियो यहाँ से निकल के आने वाला है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो है आप FPS जो है चेंज कर पाओगे और 4K तक वीडियो आप शूट कर सकते हो, बट 60 FPS में अगर आपको शूट करनी है तो 1080p रेजोल्यूशन के साथ ही कर पाओगे। इसके अलावा वीडियो मोड में आपको कुछ फिल्टर्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ब्यूटिफिकेशन मोड भी यहाँ पे दिया गया है और ब्लर बैकग्राउंड के साथ आप वीडियो जो है यहाँ से रिकॉर्ड कर पाओगे, यानी कि जो भी सब्जेक्ट होगा उसके पीछे आपको धुंधला दिखाई देने वाला है वीडियो में भी, तो काफ़ी सही फीचर यहाँ पे मिल जाता है। और व्लॉग और मूवी मोड यहाँ पे आपको दिया गया है अलग से, तो जैसे आप व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो काफ़ी सही उसके लिए रहने वाला है। और इंटरनेट कनेक्शन अगर आपके पास होगा तो अलग अलग स्टाइल यहाँ पे आपको जो है व्लॉग मोड में देखने को मिल जाते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। और नेक्स्ट अगर हम चले मोर के ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको हाई रेजोल्यूशन में फ़ोटो क्लिक करने का अलग से ऑप्शन मिलता है, पैनो मोड है, लाइव फोटो है, स्लो मोशन भी दिया गया है, टाइम लैप्स प्रो मोड, AR स्टिकर है, डॉक्यूमेंट मोड, डबल एक्सपोजर और ड्यूअल व्यू वीडियो, यानी कि फ्रंट एंड बैक कैमरा से आप एक साथ वीडियोस जो है कैप्चर कर पाओगे। और इसके अलावा गाइज जैसे हम फोटो सेक्शन में या पोर्ट्रेट मोड में रहते हैं तो यहाँ पे सेटिंग्स के आइकन पे टैप करते हैं, जैसे फुल स्क्रीन यहाँ पे हम कर सकते हैं, 1:1, 4:3, ये सब यहाँ पे दिया गया है, टाइमर यहाँ पे है फोटो क्लिक करने का, फ्रेमिंग लाइन लेवल्स, इफेक्ट मास्टर यहाँ पे है, वॉटरमार्क यहाँ पे मिल जाता है जो फोटो के कॉर्नर में आपको नाम देखने को मिलता है फ़ोन का, वहाँ पे आप अपना नाम भी यहाँ पे मैन्युअली डाल पाओगे। मोशन ऑटो फोकस यहाँ पे दिया गया है और इसमें आई ऑटो फोकस है, बॉडी ऑटो फोकस है, ऑब्जेक्ट ऑटो फोकस है, यानी कि फ़ोन जो है ह्यूमन आइज़ के पास फोकस कर लेगा जिससे थोड़ा और बेटर रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। बॉडी ऑटो फोकस यहाँ पे, यानी कि ह्यूमन की जो भी कंप्लीट बॉडी है अगर वो मूव करेगी तो उस पर थोड़ा फोकस ये फ़ोन रखने वाला है जिससे
क्लियर फोटोज़ जो है कैप्चर होने वाले हैं, और ऑब्जेक्ट पे भी आप जो है फ़ोन के हेल्प से फोकस रख सकते हो। और इसी तरह अगर हम चले वीडियो मोड में और यहाँ पे सेटिंग्स पे टाइप करते हैं तो फ्रेमिंग लाइन लेवल्स यहाँ पे आपको मिल जाता है, और मूवी मोड भी यहाँ पे दिया गया है जिसमें जो रेशो है वीडियो शूट करने का वो कुछ देख सकते हो आप इस टाइप का यहाँ पे मिलने वाला है। और इसके अलावा हम चले यहाँ पे मोर सेटिंग्स में तो यहाँ से आप शटर साउंड जो है इनेबल डिसेबल कर सकते हो। मिरर सेल्फी, इसमें क्या है गाइस, जैसे अभी मिरर सेल्फी डिसेबल था, अब मैंने इसे इनेबल कर दिया, तो इसमें क्या होता है जैसे आप सेल्फी ले तो वो उल्टा हो जाती है सेल्फी, तो उसे सीधा रखने के लिए आपको मिरर सेल्फी इनेबल रखना होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको कीप सेटिंग्स देखने को मिलती है, इसमें क्या है गाइस, जैसे आप कैमरा मोड हो गया, फोटो मोड हो गया, पोर्ट्रेट मोड और प्रो मोड, इसमें जैसे आप कैमरा को बंद कर देते हो तो अगर आप इसे इनेबल रखते हो तो जब आप कैमरा दोबारा ओपन करोगे तो वही सब इफ़ेक्ट्स मोड जो हैं आपको उसमें एज इट इज़ मिलने वाले हैं। तो ये आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इनेबल डिसेबल कर सकते हो। और वहीं अब हम बात करते हैं फ़ोन के फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा में भी आपको लगभग ये सभी जो फीचर्स हैं देखने को मिल जाते हैं। नाइट मोड यहाँ पे है, पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे है, फोटो मोड में भी, और वीडियो मोड में जो है आपको फ्रंट कैमरा में भी जो है ब्लर इफेक्ट के साथ वीडियो शूट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अभी आप देख सकते हो जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो चुका है, स्टाइल वगैरह और ब्यूटिफिकेशन मोड सब दिया गया है यहाँ पे। और स्टडी फेस यानी कि इसमें क्या होने वाला है, स्टेबल वीडियो आप फ्रंट कैमरा से भी शूट कर पाओगे, तो काफ़ी सही फीचर यहाँ पे हमें मिल जाता है। सो गाइस फ़ोन के फ्रंट एंड बैक कैमरा में काफ़ी फीचर्स जो है देखने को मिलते हैं, और आप इन्हें अच्छे से यूज़ करोगे तो बहुत ही सही रिजल्ट्स आपको कैमरा में मिलने वाले हैं। और चलिए फाइनली भी हम चलते हैं फ़ोन के मेन सेटिंग्स की तरफ, और यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं नीचे अबाउट फ़ोन से। तो अबाउट फ़ोन में आने के बाद यहाँ से आप फ़ोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में चलते हैं और बिल्ड नंबर पे 4 से 5 बार टैप करते हैं तो हम जो है डेवलपर ऑप्शन के लिए इनेबल हो जाएंगे, और ये जो डेवलपर ऑप्शन है आपको सिस्टम में सबसे नीचे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर हम बहुत सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे डीबगिंग मोड यहाँ पर हमें मिल जाता है, और USB-C से रिलेटेड सेटिंग्स हमें यहाँ पे मिलती है, एनिमेशन स्पीड हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट कुछ अनयूजुअल सेटिंग्स भी यहाँ पे होती है जिनको चेंज करने से हम फ़ोन को ठीक से यूज़ नहीं कर पाते। तो डेवलपर ऑप्शन की ठीक से जानकारी होने के बाद ही यहाँ पे आप जो है सेटिंग्स वगैरह चेंज कीजिएगा, और इस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो पूरी जानकारी या फिर जो भी काम की चीज़ें हैं सब मैंने वहाँ पर आपको बताई है डेवलपर ऑप्शन में, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब इसके बाद हम चलते हैं सिस्टम्स में ही, और यहाँ पे आपको सिस्टम में नेविगेशन कीज़ जो है इनको हाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है। जेस्चर सिस्टम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और उसे कैसे यूज़ करना है उसका ट्यूटोरियल यहाँ पे आपको अच्छे से देखने को मिल जाता है, और उससे रिलेटेड कुछ और सेटिंग्स जैसे ये जो लाइन आ रही है इसे भी अगर आप हाइड करना चाहते हो तो यहाँ से कर पाओगे। और अब यहाँ से हम चलते हैं बैक, और सिस्टम सेटिंग्स में ही आपको नीचे की तरफ रीसेट ऑप्शन मिलता है, ये बहुत ही यूज़फुल है। किस कंडीशन में, जैसे बहुत बार क्या होता है हमसे फ़ोन में जो है वाईफाई मोबाइल और ब्लूटूथ में कोई इशू हो जाता है और वो ठीक भी नहीं होता, तो यहाँ से आप उन्हें रीसेट कर सकते हो और आपका इशू 99% सोल्व हो जाएगा, या फिर आपके किसी फ़ोन की सेटिंग में कोई गड़बड़ है, ऐप प्रेफरेंसेस में गड़बड़ है तो आप उन्हें पर्टिकुलरली रीसेट कर सकते हो। और कंप्लीट फ़ोन को रीसेट करना है तो यहाँ पे इरेज ऑल डाटा दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मल्टीपल यूज़र मिल जाता है, फिर से जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे देखने को मिलता है, तो वही जो सेटिंग्स है सब आप यहाँ पे जो है नए यूज़र को क्रिएट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे आपको फ़ोन क्लोन देखने को मिलता है, मैंने इसे जो है यूज़ किया हुआ है, बहुत ही सही फीचर मुझे लगा। इसमें क्या है, आप नए फ़ोन से पुराने में या फिर पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में अपना डाटा एज़ इट इज़ ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो भी आपकी गैलरी में आइटम है, जो भी सेक्शन डिवाइड है वो एज़ इट इज़ आपको मिलेंगे, जो भी आपकी कॉल हिस्ट्री होगी, डायल जो भी आपने कर रखा होगा नंबर, वो सब सेम रहने वाले हैं, तो ये बहुत ही सही फीचर है फ़ोन क्लोन का। और इससे नेक्स्ट चलते हैं शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में है स्क्रीन कैप्चर, मैं आपको बता चुका हूँ स्क्रीनशॉट आपको कैसे कैसे लेना है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे की तरफ आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रिलेटेड सेटिंग मिलती है, जैसे अगर आप चाहते हो जो आप बोल रहे हो उसका साउंड माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो, और साथ में जो फ़ोन में कोई भी ऑडियो वीडियो चलता है उसका भी साउंड रिकॉर्ड हो, तो ये ऑप्शन आप कर सकते हो। और सिर्फ माइक्रोफोन करना है तो ये सिर्फ माइक्रोफोन ऑडियो कर सकते हो। पिक्चर क्वालिटी कैसी होनी चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हो,
नोटिफिकेशन डिसेबल करने हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वक्त, तो ये ऑप्शन आप जो है इनेबल कर लेना। इसके अलावा स्मार्ट स्प्लिट मैं आपको बता चुका हूँ। स्मार्ट मोशन में चलते हैं तो सबसे फर्स्ट में है स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ। रेस्ट वेक, जैसे आपका फ़ोन कहीं टेबल पे या स्टिल रखा है, अचानक से आप उठाओगे तो डिस्प्ले अपने आप लाइट अप हो जाएगी। डबल टैप टू लाइट, डबल टैप टू टर्न ऑफ, यानी कि बंद स्क्रीन पे डबल टैप करोगे तो लाइट अप हो जाएगी, और कहीं ब्लैंक एरिया पे टैप करोगे जब डिस्प्ले लाइट अप है तो डिस्प्ले बंद हो जाएगी। ये जेस्चर काम करेंगे। स्मार्ट वेक में चलते हैं, जैसे डिस्प्ले बंद है तो उस टाइम अगर आप ऊपर की तरफ स्वाइप करते हो तो फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, एम ड्रो करते हो तो म्यूज़िक प्लेयर ओपन हो जाएगा, या फिर ऐप ड्रो करते हो तो फेसबुक लॉन्च हो जाएगी। तो इस टाइप के कुछ जेस्चर आप जो है यूज़ कर सकते हो, और ई ड्रो करोगे तो आप इनमें से जो है कोई भी एक पर्टिकुलर ऐप को ओपन कर सकते हो यहाँ पे। और इसके अलावा शेक टू टर्न ऑफ, जब डिस्प्ले बंद रहेगी फ़ोन को अगर आप शेक करोगे तो जो कैमरा फ्लैश है वो ऑन हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है क्विक एक्शन। और क्विक एक्शन में क्या होगा, जैसे फ़ोन की डिस्प्ले बंद रहने वाली है तो उस टाइम आप वॉल्यूम डाउन को कुछ सेकंड्स के लिए प्रेस कर दो तो क्या फंक्शन ऑपरेट होना चाहिए, जैसे फ्लैशलाइट चलनी चाहिए या फिर ऑडियो रिकॉर्ड होना चाहिए, कैमरा ओपन होना चाहिए, फेसबुक ओपन होना चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो पर्टिकुलरली। नेक्स्ट प्रेस एंड होल्ड पावर बटन। तो यहाँ पे अगर आप पावर बटन को कुछ सेकंड्स के लिए प्रेस रखते हो तो पावर मेन्यू या फिर इमरजेंसी मेन्यू आनी चाहिए या फिर गूगल असिस्टेंट लॉन्च होना चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर पाओगे। इसके बाद ईजी टच, ये बहुत ही सही ऑप्शन मुझे लगता है। अगर आप इसे अच्छे से यूज़ करना सीख जाओ तो डेली लाइफ में फ़ोन को यूज़ करना आसान हो जाता है। ये आप देख रहे हो एक असिस्टिव बोल फ़ोन की स्क्रीन पे आ जाती है, यहाँ से आप कुछ शॉर्टकट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गया, फ्लैशलाइट हो गया, कैलकुलेटर वगैरह, और कुछ इंस्टेंट ऐप यहाँ पे आप रख सकते हो जिन्हें आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो, तो उसमें ये हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा एज ए टैप मेन्यू आप इसे यूज़ करते हो, जैसे अगर आप डबल टैप करोगे तो क्या होना चाहिए, जैसे कैलकुलेटर ओपन होना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, वॉल्यूम अप होना चाहिए, डाउन होना चाहिए, या फिर डायरेक्ट होम स्क्रीन पे आना चाहिए। तो इस टाइप के जो जेस्चर सिस्टम हैं अलग अलग यहाँ पे दिए गए हैं, होल्ड एंड स्लाइड अप, होल्ड एंड स्लाइड डाउन, उनमें आप अलग अलग जो इसकी कमांड्स है वो सेट कर सकते हो। साथ ही इसकी स्क्रीन पे जो ओपेसिटी है वो कितनी कम ज़्यादा रहनी चाहिए वो यहाँ पे आप कर पाओगे। तो ये काफ़ी सही जो है इजी टच मुझे लगता है। इसके अलावा नेक्स्ट फेस ब्यूटी मोड यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि जैसे आप वीडियो कॉलिंग करते हो व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे या फ़ोन से भी डायरेक्ट, तो उन सब के लिए यहाँ पे जो है आपको फेस ब्यूटी मोड दिया गया है। और इसके अलावा फ्लैश नोटिफिकेशन, इसमें क्या होगा, जब फ़ोन की डिस्प्ले बंद रहेगी उस टाइम जो बैक कैमरा है वो ब्लिंक करेगा जब भी आपके पास कोई कॉल्स वगैरह आएंगी। और वन हैंडेड मोड यहाँ पे आपको दिया गया है, कुछ इस टाइप का जेस्चर करके आप वन हैंडेड मोड जो है एक्टिवेट कर सकते हो। कभी कभार फ़ोन को एक हाथ से यूज़ करना होता है तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और एसेसिबिलिटी में हम चलते हैं, तो वही यहाँ पे काफ़ी बार क्या होता है, जैसे हम नाइट टाइम में फ़ोन की डिस्प्ले की ब्राइटनेस बिल्कुल कम कर देते हैं फिर भी हमें लगता है थोड़ा और कम ब्राइट होना चाहिए, तो यहाँ पे आप जो है एक्स्ट्रा डिम का यूज़ कर सकते हो। और इससे नेक्स्ट चलते हैं अल्ट्रा गेम मोड में। सो इस अल्ट्रा गेम मोड में क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको 4D गेम, वाइब्रेशन गेम, साउंड क्वालिटी और साउंड इफेक्ट चेंज करने के ऑप्शन, फ्रेम रेट प्रायोरिटी हो गया, नोटिफिकेशंस ब्लॉक कर देना जब आप गेम प्ले कर रहे हो, वो सब आप कर सकते हो। और गेम पिक्चर इन पिक्चर मोड यहाँ पे आपको मिल जाता है, अगर कोई भी गेम आप इंस्टॉल करोगे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, अगर ऐड नहीं होती तो मैन्युअली आप उसे यहाँ से ऐड कर सकते हो। इसके अलावा जैसे आप गेम प्ले करोगे तो एक साइड बार वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, उस साइड बार की हेल्प से आप काफ़ी कुछ चीज़ें कर पाओगे, जैसे साउंड की क्वालिटी हो गया या साउंड इफेक्ट होता है जैसे रोबोटिक वॉइस में, गर्ल्स वॉइस में साउंड उस गेम में आनी चाहिए, वाइब्रेशन जो है वो 4D गेम वाइब्रेशन कम ज़्यादा करना है इंटेंसिटी, तो वो सब आप वहाँ साइड बार से चेंज कर पाओगे सब कुछ। और नेक्स्ट चलते हैं हम प्राइवेसी की तरफ। सो यहाँ पे परमिशन मैनेजर देखने को मिल जाता है, और यहाँ से हम चेकआउट कर सकते हैं कि हमारे माइक्रोफोन लोकेशन वगैरह की परमिशन किस किस ऐप ने ली हुई है, और हमें लगता है कि अननेसेसरी किसी ऐप ने परमिशन ली हुई है तो यहाँ से हम डोंट अलाउ कर सकते हैं, ताकि वो हमारी परमिशन को जो है इनको यूज़ ना कर सके। और इससे नेक्स्ट प्राइवेसी में ही नीचे की तरफ आपको रिसेंट ऐप प्रीव्यू देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है गाइस, जैसे आप रिसेंट एप्लीकेशन ओपन करते हो तो इसमें सब कुछ क्लियरली दिखता है। अगर आप चाहते हो ये रिसेंट ऐप ओपन करने पे वो क्लियरली ना दिखे तो आप उनका प्रीव्यू जो है यहाँ से ब्लर कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर ऐप का, तो यहाँ से आप कर लीजिएगा। और इसके अलावा एक काफ़ी सही फीचर सेफ्टी के हिसाब से आपको मिल जाता है, अनलॉक टू टर्न ऑफ द लॉक फोन, यानी कि अगर आपका फ़ोन आपने लॉक कर रखा है और उस टाइम उसे कोई लॉक करना चाहेगा तो उससे पहले
उसे जो है जो भी आपने पिन पैटर्न डाला हुआ है वो डालना होगा। तो इस ऑप्शन को इनेबल कर लीजिएगा, बहुत ही सही ऑप्शन है। और इससे नेक्स्ट हम चलते हैं सिक्योरिटी की तरफ, और यहाँ से आप जो है स्क्रीन लॉक सेट कर सकते हो, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक वगैरह, और प्राइवेसी ऐप इंस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, यानी कि आप एप्लीकेशन वगैरह पे भी पासवर्ड सेट कर पाओगे। और थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पे आपको ऐप पिनिंग का ऑप्शन मिलता है, अगर आप इसे इनेबल करते हो तो क्या होता है, जैसे ऐप पिनिंग मैंने इनेबल कर दिया, अब यहाँ पे जो लिस्ट रिसेंट ऐप टॉप हम ओपन करते हैं और यहाँ पे जो लिस्ट आती है तो सभी ऐप में आपको ये पिन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपका फ़ोन लेता है और वो एक एप्लीकेशन यूज़ करता है बट आपका फ़ोन भी वो चेक करना चाहता है, तो आप वो ऐप उसे जो है पिन करके दे दीजिएगा। उसमें क्या होगा, अब वो उस ऐप से अगर बाहर आने की कोशिश करेगा तो वो किसी भी तौर से उस एप्लीकेशन से बाहर नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कोई भी की प्रेस करता हूँ, बट अगर आप इससे बाहर आना चाहते हैं, अनपिन करना चाहते हैं आपको, तो ये जो बैक है रिसेंट की है, इसको कुछ सेकंड के लिए प्रेस करना है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो अनपिन हो जाएगी। और नेक्स्ट चलते हैं रैम एंड स्टोरेज स्पेस में, और यहाँ पे आपको जो है फ़ोन में 8GB तक वर्चुअल रैम एक्सटेंड करने का ऑप्शन मिल जाता है, बट ये बात ध्यान रखिएगा इसको आप तभी इनेबल रहने दीजिएगा, और ये वैसे पहले से इनेबल रहता है तो आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। सो ये आप तभी इनेबल रखिएगा जब आप फ़ोन को थोड़ा हैवीली यूज़ करते हो, क्योंकि 8GB की जो स्टोरेज है वो आपकी रुक जाती है, तो अपने यूजेस के हिसाब से आप इसे सेट कर लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे आपको अपनी स्टोरेज का एक क्लियर व्यू देखने को मिल जाता है कि जो इमेजेस, फोटोज, वीडियोस हैं कितना स्पेस उन्होंने लिया हुआ है, और आप स्टोरेज को काफ़ी अच्छे ढंग से मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं नोटिफिकेशन सेटिंग्स में, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो हिस्ट्री है वो आप इनेबल करके रख लीजिएगा, जैसे काफ़ी बार हमसे कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन क्लियर हो जा रहा है तो वो यहाँ से आके आप चेकआउट कर पाओगे क्लियर करने के बाद भी। और साथ ही नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन, बहुत से लोग चाहते हैं जो नोटिफिकेशन है वो लॉक स्क्रीन पे आए ना, तो यहाँ से आप जो है डोंट शो एनी नोटिफिकेशन कर सकते हो। लॉक स्क्रीन पे आपको कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो फ़ोन की डिस्प्ले जो है लाइट अप हो जाएगी, तो ये बहुत ही कूल लगता है। और नेक्स्ट हम चलते हैं ऐप्स सेटिंग में, तो यहाँ पे आपको आपके फ़ोन में जो भी सभी एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगे वो सब देखने को मिल जाएंगे, और उनसे रिलेटेड जो सेटिंग रहती है जैसे नोटिफिकेशन वगैरह, परमिशन किस किस ऐप के लिए हुई है उसने, स्टोरेज वगैरह, मोबाइल डाटा कितना यूज़ किया है, स्क्रीन टाइम, बैटरी यूजेस, सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे आपको ऐप क्लोन देखने को मिल जाता है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह के आप दो अकाउंट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप उस ऐप की क्लोनिंग करके जो है यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ऐप्स में चले तो गाइस काफ़ी बार क्या होता है, जैसे आपने ट्रू कॉलर भी डाला हुआ है और जो फ़ोन का डायलर है वो भी है, तो ट्रू कॉलर डिफ़ॉल्ट पे सेट हो जाता है गलती से, तो यहाँ से आके आप कुछ जो एप्लीकेशन रहती है जो ड्यूअल इंस्टॉल रहती है उनमें से किसी एक को डिफ़ॉल्ट पे सेट कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं साउंड में, तो गाइस यहाँ पे आपको जो है आपके फ़ोन में जैसे आप जो नेविगेशन कीज़ पे टैप करते हो या फिर टाइपिंग वगैरह करते हो, तो उसके लिए अगर आप एक हल्का सा वाइब्रेशन चाहते हो तो यहाँ पे टच वाइब्रेशन आपको इनेबल कर देना है, उसके बाद आपको वाइब्रेशन जो है महसूस होने लग जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं डायनेमिक इफेक्ट में, तो यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट इफेक्ट देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होगा कि कुछ इस टाइप का आपको जो है लाइट इफेक्ट जो है स्क्रीन के चारों तरफ देखने को मिलता है, जैसे आपके पास कोई कॉल आएगी, नोटिफिकेशन वगैरह आएगा। यहाँ पे एम्बिएंट लाइट इफेक्ट में दो फीचर जो आप देख रहे हो, इसमें क्या है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर आप रखते हो तो इसमें अगर आपकी फ़ोन की स्क्रीन बंद रहेगी तब भी वो इफेक्ट देखने को मिलेगा, और ऑन स्क्रीन डिस्प्ले अगर आप इसे भी इनेबल रखते हो तो ऑन स्क्रीन डिस्प्ले में भी वो इफेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है कॉल्स एंड नोटिफिकेशन के टाइम। इसके अलावा होम स्क्रीन एंट्रिंग एनिमेशन यहाँ पे दिया गया है, और फिंगरप्रिंट आइकन का जो एनिमेशन है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और फिंगरप्रिंट पे जैसे ही आप अपना थंब वगैरह रखोगे तो उसका एनिमेशन यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। फेशियल रिकॉग्निशन एनिमेशन, चार्जिंग एनिमेशन और USB इंसर्ट एनिमेशन, तो काफ़ी कूल एनिमेशंस यहाँ पे जो है आपको एम्बिएंट लाइट इफेक्ट में देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आके आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में हम चलते हैं, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे हमें मिल जाता है, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में काफ़ी सही यहाँ पे हमें जो है एनिमेशंस देखने को मिल जाते हैं, और काफ़ी कूल एनिमेशंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ से आके आप इन्हें ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा, और यहाँ से आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को। और बाकी थोड़ा बहुत और सेटिंग्स जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से रिलेटेड यहाँ पे आपको मिल जाएगी। थीम से यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं वॉलपेपर, UI कलर। लॉक स्क्रीन सेटिंग में चलते हैं, तो लॉक स्क्रीन पोस्टर में अगर हम चलें तो यहाँ पे आपको रोटेट वॉलपेपर्स देखने को मिलता है, इसे अगर आप इनेबल करते हैं तो जो लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर्स है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे ऑटोमेटिकली।
सब्सक्रिप्शन टाइप। सो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल आर्ट प्लांट इन सब की सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलती है। तो इस टाइप के जो वॉलपेपर आपको मिलेंगे लॉक स्क्रीन पे, अगर आपकी जो भी पसंद हो उन सेक्शन को आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। वॉलपेपर बीइंग यूज में चलते हैं, तो जो वॉलपेपर्स उनमें डाउनलोड होंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐड लोकल वॉलपेपर्स में चलें तो गैलरी से जो भी आपके फेवरेट वॉलपेपर हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और वो लॉक स्क्रीन पे जो है चेंज होते रहेंगे उन वॉलपेपर्स के बीच में। ऑटो अपडेट वॉलपेपर आप इनेबल कर लीजिएगा ताकि जो सिम का इंटरनेट है उससे भी वॉलपेपर जो है नए नए डाउनलोड होते रहें। इसके अलावा लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में थोड़ा नीचे आएंगे तो ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन, यानी कि यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट डालोगे वो लॉक स्क्रीन पे शो होने वाला है। तो यहाँ पे आप अपने फ़ोन नंबर हाउस एड्रेस वगैरह डाल के रख सकते हो ताकि कोई इमरजेंसी सिचुएशन में वो आपके काम आ सकता है। और होम स्क्रीन सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाती है, सिंपल मोड यहाँ से आप फ़ोन का एक्टिवेट कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट चलें डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, तो यहाँ पे आई प्रोटेक्शन, डार्क थीम मोड, स्क्रीन टाइम आउट मैक्सिमम 10 मिनट्स का यहाँ पे दिया गया है। स्क्रीन कलर वगैरह यहाँ पे आप जो है चेंज कर सकते हो। और फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज, जैसे अभी आप लोग देख रहे हो मैंने फ़ोन का साइज़ बढ़ा किया हुआ है, डिस्प्ले का साइज़ भी जो है बढ़ा किया हुआ है ताकि आप लोगों को देखने में कोई भी इशू ना हो। तो नॉर्मली आप अपने हिसाब से जो साइज़ है वो चेंज कर सकते हो। नए नए फ़ोन से यहाँ से आप डाउनलोड मोर के ऑप्शन में जाके डाउनलोड कर पाओगे और अपने फ़ोन पे सेट कर सकते हो और वो फ़ोन जो है सभी जगह अप्लाई हो जाएंगे फ़ोन में। स्टेटस बार में चलें तो इंटरनेट की जो स्पीड है आपको यहाँ पे शो होने वाली है करंटली, बैटरी परसेंटेज यहाँ पे शो होने लग जाएगी। इसके अलावा स्क्रीन सेवर यहाँ पे दिया गया है, जब आपका फ़ोन चार्ज पे लगा होगा तो कुछ इस टाइप का आपको जो है क्लॉक डिस्प्ले होता रहेगा, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसे इनेबल डिसेबल कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, फ़ोन में 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है। बाकी स्मार्ट स्विच पे आप रहने दीजिएगा ताकि फ़ोन अपने आप स्विच कर ले जब उसको 90 हर्ट्ज़ की ज़रूरत हो, 60 हर्ट्ज़ की हो तो 60 हर्ट्ज़ पे, और इससे जो है बैटरी भी सेव होती है। अगर आप परमानेंट 90 हर्ट्ज़ पे रखेंगे तो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगी और परमानेंट 60 हर्ट्ज़ पे रखे हुए तो जो फ्लूइडिटी है आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगी डिस्प्ले में। और यहाँ से बैक चलते हैं नेक्स्ट ब्लूटूथ एंड डिवाइस में, तो यहाँ पे आपको स्मार्ट मिररिंग देखने को मिल जाता है जिससे आप अपने डिवाइस की जो स्क्रीन है दूसरे एंड्रॉयड डिवाइस के साथ जैसे एलईडी टीवी वगैरह के साथ शेयर कर सकते हो। ओटीजी यहाँ पे है, आपको मार्केट से गाइस एक ओटीजी केबल ख़रीद लेनी है, काफ़ी बार काम आती ही आती है वो। उसमें क्या, जैसे आप पेन ड्राइव वगैरह अगर फ़ोन के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो उस ओटीजी केबल की हेल्प से कर सकते हो, या जो कंप्यूटर के साथ हम फिजिकल कीबोर्ड माउस वगैरह लगाते हैं या गेम कंट्रोल भी शायद से ओटीजी की हेल्प से आप कनेक्ट कर पाओगे, तो आप यहां से चेकआउट कर लीजिएगा। और बाकी क्रोमबुक नियर बाय शेयर यहां पे आपको देखने को मिल जाता है, तो उससे रिलेटेड सेटिंग आप यहां पे कर सकते हो जैसे डिवाइस का नाम वगैरह चेंज करना। एंड्रॉयड ऑटो, इसमें क्या होगा अगर आपकी कार में एक कंफर्टेबल कार स्टीरियो है तो एंड्रॉयड ऑटो की हेल्प से कुछ फीचर्स आप वहां पे इंजॉय कर सकते हो डिस्प्ले पे। नेक्स्ट चलते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट में, तो यहां पे आपको नेटवर्क मैनेजमेंट का एक ऑप्शन मिलता है। इसमें क्या है गाइस, बहुत लोगों की डिमांड रहती है कि पर्टिकुलर एप्लीकेशन का इंटरनेट बंद कर दे वो, चाहे सिम का इंटरनेट इनेबल रहे या फिर वाईफाई से फ़ोन कनेक्ट रहे। तो जैसे मैं अभी अमेज़न को सिम के इंटरनेट से बंद करना चाहता हूँ इसका डाटा, तो अभी ये हो चुका है। अगर मैं वाईफाई से भी इसका डाटा बंद करना चाहता हूँ तो अभी ये वाईफाई से भी इसमें इंटरनेट नहीं चलेगा, चाहे मेरा फ़ोन वाईफाई वगैरह से कनेक्ट रहे। बाकी यहाँ पे आपको हॉटस्पॉट, थिएटरिंग और डाटा सेवर, VPN, प्राइवेट DNS वगैरह सब देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो Vivo V25 के हिडन फीचर्स सेटिंग्स टिप्स ट्रिक्स को लेकर। भाई गाइस मैं आपको बता दूं, जैसे फ़ोन में कुछ फीचर्स आप एडिशनली यूज़ करते हो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके, जैसे जो कैमरा के सराउंडिंग लाइट होती है या फिर इसमें तो एज लाइटिंग दी गई है कुछ स्मार्टफोन में नहीं होती, तो वो फीचर्स अगर आप थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू यूज़ करते हो तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप मत कीजिएगा, क्योंकि वो मोस्टली जो एप्लीकेशन रहते हैं वो आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलते, गूगल वगैरह से आप डाउनलोड करते हो या फिर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करते हो। तो जो गूगल से आप डायरेक्टली डाउनलोड करते हो सर्च करके, एक तो वो आपके डाटा के लिए सिक्योर नहीं रहते, साथ ही प्ले स्टोर वगैरह से भी डाउनलोड किए हुए उनमें क्या होता है कि जैसे वो बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं तो बैटरी भी वो कंज्यूम करते हैं और इंटरनेट जो है उसे भी कंज्यूम करते रहते हैं। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा, जो भी फीचर आपको इनबिल्ट मिलते हैं, जो भी सेटिंग्स वगैरह, आप उन्हें ज़्यादा यूज़ कीजिए, तब आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहने वाला है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है। इसके अलावा आप लोगों की कोई भी क्वेरी है या फिर वीडियो को लेकर सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से टाइप कीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों से मिलता हूँ एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।